आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ले चलते हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ संदेश दे रहे हैं। उत्साह का दिन है क्योंकि कल ही हमने दंतेवाड़ा के जो चुनाव है, जो पिछले समय मात्र कई सवों से पीछे रह गए थे, उसे पाटते हुए 11,300 से अधिक मतों से हमको चुनाव जीते। इस जीत के कई मायने हैं। यह जीत दंतेवाड़ा के मतदाताओं की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है, जो मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में दिन रात मेहनत किया, जीति कर्मा की मेहनत की जीत है। ये महेंद्र कर्मा की शहादत को नमन है। और ये जीत पिछले 9 महीनों में जो कांग्रेस की सरकार ने काम किया है, उस पे दंतेवाड़ा के मतदाता ने मुहर लगाई है। क्योंकि जिस प्रकार से मोहन जी ने बताया, विकास के जो मुद्दे हैं तो पिछले सरकार से इस सरकार की जो इकाई है उसमें अंतर है। उसके जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विकास के केंद्र कमीशन खोली रहा है, विकास का केंद्र अपने ठेकेदारों को मजबूत करने का रहा है, हमारी सरकार में विकास का केंद्र बिंदु एक व्यक्ति है। जो व्यक्ति कमजोर है, जो व्यक्ति उपेक्षित है, उस व्यक्ति के पास रोजगार नहीं है, वह व्यक्ति जो कुपोषण के शिकार है, वह व्यक्ति एनीमिक है, वो हमारे केंद्र है। और इसलिए जो डीएमएफ का फंड है, हमने निर्माण कार्यों में नहीं, जो आवश्यक है वो निर्माण कार्य हमने किया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, स्विमिंग पूल या एयर स्ट्रिप बनाने में खर्च नहीं किए, बल्कि वहां के जो आदिवासी हैं, जो परंपरागत रूप से निवास करने वाले लोग हैं, उनके अस्पताल को हमने ध्यान में रखते हुए कुपोषण के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत हमने की। गर्म भोजन प्रत्येक पंचायत में देना शुरू किया। जो 5 वर्ष से कम के बच्चे हैं, जो 37.6% कुपोषण के शिकार हैं, उनको भोजन देना शुरू किया। 41.5% महिलाएं जो खून की कमी से जूझ रही हैं, जो एनीमिक हैं, उन्हें पौष्टिक भोजन देना शुरू किया। और उसके साथ साथ स्वास्थ्य की दिशा में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक हर सप्ताह प्रत्येक बाजार में जाना शुरू किया। और उसके साथ साथ लोहानीगुड़ा में जो हमने जमीन वापस की, पूरी दुनिया भर में आदिवासियों की जमीन छीनी जाती है, छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन वापसी करने का फैसला किया। 10 गांव के 1700 किसानों की 4200 एकड़ जमीन हमने वापस की। तेंदूपत्ता के दर में वृद्धि की। फॉरेस्ट एक्ट के तहत पट्टा बांटना शुरू किया। और ऐसे बहुत सारे योजना है, कार्यक्रम है, ऋण माफी के भी लाभ
लोगों को मिला 25 रुपए क्विंटल धान खरीदी किए उसका लाभ मिला। जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा गरवा गुरुआ वाली, इसका भी लाभ मिला। जो आम जनता से जुड़े हुए हैं चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामुदायिक हो, गांव हो घर हो या परिवार हो या पूरा गांव हो, सबको हमने ध्यान में रखते हुए फैसला किया और उस पर दंतेवाड़ा के मतदाताओं ने मतदान किया। और यही कारण है कि पिछले समय जहां हमें 31% मत मिला था, इस समय वो बढ़ के 43% हुआ है। तो ये 12% मतों की जो बढ़ोतरी है वो सरकार के किए गए कार्यों पर, कार्यकर्ताओं की मेहनत पर मतदान हुआ है, विश्वास किया है जनता ने छत्तीसगढ़ सरकार का। आपकी तरफ से कुछ सवाल? बहुत सही सलाह सवाल, और इस सवाल का मैं स्वागत करता हूं। आवागमन के मामले में पिछले दिनों जब गृह मंत्री जी ने दिल्ली में मीटिंग की थी सभी मुख्यमंत्रियों के जो नक्सल प्रभावित प्रदेश हैं, वहाँ हम लोगों ने एक प्रस्ताव दिया था कि जो सड़कें बन रही है केवल 10 मीटर तक की सड़क बनाने के 10 मीटर तक के पुल बनाने की जो अनुमति है, हमने कहा कि उसे बढ़ाया जाना चाहिए। हमारी इंद्रावती का जो पार्ट है बहुत चौड़ा है और इसलिए उसकी अनुमति दी जानी चाहिए। और जो आज जिस प्रकार से असेंबल जो पुल है जो सेना जैसे बनाती है उसी प्रकार से पुल यहाँ भी बनना चाहिए, इस प्रकार के सुझाव प्रस्ताव हमने केंद्र सरकार के पास रखा है। जी पुलिस को मार के भगाया। हमने जन सुनवाई का जब तक के 4 गुना लोगों को मुआवजा न मिले इसके लिए हमने विरोध किया था, और आज हमारी सरकार 4 गुना देने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। अरे देखिए, आपने जो एजेंडा सेट किया है उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश बहुत न्यून हो जाती है। हमने 25 रुपये क्विंटल धान की खरीदी करने का फैसला किया, इसमें क्या कमीशन खोरी होगी? 4,000 प्रति मानक बोरा की दर से हम 3 रुपये खरीदेंगे, इसमें क्या कमीशन खोरी हो सकती है? बिजली बिल हमने 4 यूनिट तक आधा करने का फैसला किया है, इसमें कौन सी कमीशन खोरी होगी? आइए मंत्री जी बताइए आप। हमारी जो योजना है उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश बहुत नहीं है। अब रहने दीजिए, एक सवाल हो चुका है। हाँ हाँ किसी आने बिल्ली खंभा नोचे
रमन सिंह जी वहां कितने दिन रहे वो आपको पता है, केंद्रीय राज्य मंत्री जी उन्होंने खुद स्वीकार किया वो 3 दिन रही है और हम पे दबाव डालने का आरोप लगाया है, बहुत हास्यास्पद। मैं सही सवाल के एक साथ दे देता हूँ, दोनों सवाल का मैं दे ही रहा था, मेरे सवाल पूरा नहीं हुआ, आपने फिर से सवाल दाग दिया है। जब रेणुका सिंह जी ने जो बात कही कि 3 दिन रही है और भूपेश बघेल 48 घंटा रह के दबाव डाले, तो 3 दिन रहने वाले ज्यादा दबाव पड़ेगा कि 2 दिन रहने वाले ज्यादा दबाव पड़ेगा? दूसरा, आप रिजल्ट देखें, जो डाक मत पत्र है उसमें भारतीय जनता पार्टी के 180 वोट मिला है, 188 वोट, और कांग्रेस को मात्र 49 वोट। सुराज शतक में इतना ही, खबर लगातार जारी है, देखते रहिए सुराज एक्सप्रेस।